ये बताइए, पार्किंग का काम यहाँ पर देख रहे हैं खानपुर में, तो ये पानी में ऐसा क्या है और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगभग दिन में? भाई साहब आपको मैं बताऊँ, कम से कम भी मिनिमम बताऊँ, देखो जो दान के हिसाब से बताऊँ तो कम से कम 12-13 हज़ार आदमी डेली आ रहे हैं। कितनी पार्किंग आपके पास हो रही है लगभग? पार्किंग का तो हिसाब का बात है जी, भीड़ के ऊपर बात है। हाँ बहुत है, कितने लगभग? 400-450 तक पहुँचाते हैं दिन में। क्या नाम है आपका? विशाल तोमर। कहाँ के रहने वाले? खानपुर के रहने वाले। खानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा बताइए विशाल, इस पानी में ऐसा क्या है? पहले भी पानी था यहाँ पे जी, अभी ऐसा क्या हुआ कि इतनी भीड़ लग गई? देखो अभी तो कुछ नहीं हुआ इसमें, देखो अभी कुछ ऐसा किसी ने नहीं किया ना हुआ ऐसा कुछ। ये पानी कम से कम भी, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कुआँ पहले से ही था यहाँ, करीबन ना भी होने में 50-60 साल पहले भी कुआँ था। उसी कुएँ के अंदर जब सरकारी नल लगा 2018 में, तो वो जो उसका बोरिंग था वो उसी कुएं में पहुंचा। वहाँ की जो बीमारियाँ ना, यहाँ की मतलब जो बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, जैसे कोई एलर्जी हुई किसी के और किसी के वैसी गैस तेजाब की जो बीमारियाँ हैं, वे पहले से ठीक होती आ रही हैं हमारे यहाँ के पानी। हमारे गांव में भी कोरोना का कोई केस नहीं है। पूरे गाँव में हमारे यहाँ के लड़के नोएडा दिल्ली भी काम कर रहे हैं। तो इसे आप दैवीय शक्ति मानते हैं, इस पानी में कोई चमत्कार है या कोई इसमें ऐसी तत्व मिले हुए हैं? तत्व मिले हुए हैं, बढ़ के जो जड़े हैं उससे वही तत्व मिले हुए हैं जी। उसी हमारा तो मानना ही है जी। जी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रदीप है। आप भी पार्किंग का काम देखते हैं? हाँ जी, मैं प्रसाद का काम करता हूँ। इसका प्रसाद बेचने का? प्रसाद। अच्छा कितने लोग आ रहे हैं लगभग यहाँ? सर यहाँ पे गिनती नहीं है लोगों की, कितने आ रहे हैं। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों से मिलते हैं यहाँ, काफ़ी लोग आते हैं पार्किंग में, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कई बार यहाँ पर आए हैं? हाँ, आराम लगा है। अभी 20 मिनट पहले गए यहाँ से, कहीं से कहीं 3-4 मोटरसाइकिल थी जो डेली आ रही है हमारे यहाँ, डेली पानी लेके जाते हैं, डेली आते हैं। कुछ लोग हैं जी, कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ से ठीक हो रही हैं? देखो ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं, एलर्जी सबसे ज़्यादा जो ठीक हो रही हैं, एलर्जी गैस तेजाब सबसे ज़्यादा ठीक हो रही है। अच्छा ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कुछ चैनलों के द्वारा कि कैंसर जैसी बीमारियाँ, कोई व्यक्ति अपंग है वो ठीक हो रहा है, तो उस पर आपकी क्या बात है? जितने दिन से मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने तो कोई ऐसा केस आया नहीं। देखो संदेश देना चाहेंगे, संदेश देना ना हो, इससे दूर से परेशान ना हो, कोई उनके रिश्तेदारी में कोई ठीक हुआ हो तो चैनल वालों से मिले, उन्हें अपना इंटरव्यू दे। आपके सामने ऐसा कोई केस? मेरे सामने देखो कोई केस नहीं है। मेरे यहाँ शुगर का केस तो है मेरे सामने, मैं आपको बताऊँ। शुगर में मतलब नॉर्मल बिल्कुल, दवाई खाने के लोग आ सकते हैं जी? बिल्कुल आ सकते हैं नॉर्मल, किसी का कहता हूँ मेरा रुकता नहीं, बढ़ता ही बढ़ता रहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होकर जाएगा यहाँ से। 10 दिन पानी पियो लगातार, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हमने बात की यहाँ पर पार्किंग के लोगों से, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जैसे पेट के रोग हैं, चर्म रोग हैं, एलर्जी है, इनमें तो ये जो पानी है रामबाण का काम कर रहा है, दवाई का काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह है कि इस पानी से कैंसर का इलाज हो रहा है, जो अपाहिज लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं, ऐसा इनके सामने कोई मामला नहीं आया। तो इनकी अपील है इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर किसी को इस पानी में आस्था है तो एलर्जी के लिए, पेट के रोगों के लिए, चर्म रोगों के लिए और शुगर के लिए भी ये पानी वरदान का काम कर रहा है, तो वो खानपुर में आ सकता है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार।